हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फाइन। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखो, मैथ्स में थोरोली हमको क्वेश्चंस रीड करने होते हैं। हम थोरोली इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या कहना चाहता है देखिए, और इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें निकलेंगे। और मैथ्स में एक और मैं टिप देता हूँ आपको कि आप क्वेश्चन से आंसर की ओर मत जाइए, बट आंसर से क्वेश्चन की ओर आने का ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। देखिए आप लोग ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जैसे कि यहाँ पर आपको x और y दे रखा है, एंड शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं, ऐसा हम फाइंड करेंगे। देखो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ए बी और सी डी को पैरेलल कैसे बताएं, हम क्या सोचें और क्या चीज़ करें। देखो एंगल्स से कुछ पैरेलल्स मिलता है, तो लाइन्स कब पैरेलल होती हैं एंगल से? देखो एंगल और लाइंस पैरेलल का कोई कनेक्शन है तो है सर, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर सर ये दोनों एंगल्स है ना वो 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम, तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो देखते हैं अब हम ध्यान से, हम प्रूव करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब जैसे कि y और x ये दोनों सेम बता दो, है ना, या फिर ये वाला जो एंगल है और ये एंगल दोनों 50-50 बता दो, है ना, तो भी वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। देखते हैं अब x और y, देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले मिल जाएगा, ऐसा देख सकते हैं यहाँ 130 और इसका ऑपोजिट एंगल y है, तो ये जो y के ऑपोजिट एंगल है मतलब y भी कितना हो गया, 130 हो गया। अब यहाँ 50 दे रखा है, ये एक लाइन पर दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 130, ये भी 130, ये भी 130, जेड भी बना रहा है और ये पैरेलल हो गया, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन हमको प्री एज्यूम कर लेना। अब हम लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखना आप ध्यान से, गिवन वन एंगल इज 50 डिग्री, हमको इतना ही दे रखा है, और एक एंगल 130 डिग्री, ठीक है ये दे रखा है, लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देखिए y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, डायरेक्ट लिख दीजिए, y कौन सा हो गया, 130 डिग्री हो गया, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका नाम O लिख दो इस पॉइंट का, और इसका O डैश लिख दो, है ना, या फिर आप कैसे लिखेंगे, देखो O O डैश एंगल O O डैश D इज इक्वल्स टू एंगल C O डैश, और इसका मैं लिख देता हूँ P, है ना, तो P है ना इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, रीज़न लिखेंगे यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ये आ गया y की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट एंगल, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ Q, दे देता हूँ Q O डैश A, मतलब कौन सा, ये वाला एंगल, प्लस A O डैश एंगल A O डैश, सॉरी O लिख देता हूँ मैं, ये O है, A O O डैश, है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स कहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन पर है, कौन सी लाइन, QP या PQ जो भी आप लाइन बोलो वो, है ना। अब ये वाला एंगल पता है हमको, दैट इज 50 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश मतलब ये x, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर x लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। नाउ आप लिखिए x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर यहाँ पर लिखिएगा देयर फोर, ये साइन देयर फोर का है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमने शो कर दिया
है ना, आप या देयरफॉर लिखें या साइन कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में कैसे लगे मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।